नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं बूचर कैम के बारे में। यहाँ पर हमने रेडमी शामी पोको डिवाइस के ऊपर ये जो बूचर कैम का जो बिल्ड हमने ट्राई करके देखा है, ऑलमोस्ट सभी रेडमी पोको रियलमी वन प्लस डिवाइस के ऊपर ये जो बूचर कैम गोल कैमरा का जो बिल्ड काम करती जगह ढेर से डिवाइस के ऊपर ये जो जी कैम का जो बिल्ड काम करते हैं। हमने यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर ये जो बूचर कैम गोल कैमरा का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। इसके अलावा हमने रेडमी नोट 7 MI2 पोको F1 पोको X3 रियलमी 5 प्रो डिवाइस के ऊपर ये जो बूचर कैम गोल कैमरा का जो बिल्ड है इसे ट्राई करके देखा है। ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर काम करती जगह रेडमी पोको रियलमी एंड यहाँ पर वन प्लस डिवाइस के साथ ये जो बूचर कैम का जो बिल्ड काम करते काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर बूचर कैम 3.0 का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जीकैम का डाउनलोड लिंक देने को मिलेगा, वहां पर जाके इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद पहली दफा जब इस जीकैम को ओपन करोगे कुछ परमिशन को अलाउ करने के बाद इस जीकैम का यूज कर सकते हो ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉयड डिवाइस के साथ। यहाँ पर एंड्रॉयड 9 एंड्रॉयड 10 एंड्रॉयड 11 एंड्रॉयड 12 एंड्रॉयड 13 के साथ MIUI, MIUI 12, MIUI 13, Realme UI प्लस पर जो है OxygenOS और CardOS के साथ भी ये जो बूचर कैम का जो बिल्ड है काम करती जगह काफी बढ़िया बात है। पर मल्टीपल डिवाइस के ऊपर ये जो जीकैम का जो बिल्ड है काम करता है, प्लस इस जीकैम के साथ अगर आप चाहो तो मल्टीपल गूगल कैमरा को भी यूज कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर इस बूचर कैम के साथ जो है सिंपली मल्टीपल डिवाइस के ऊपर इस गूगल कैमरा को यूज कर सकते हो, यानी पर मल्टीपल जीकैम का भी यूज कर सकते हो एक ही डिवाइस को। आप चाहो तो यहाँ पर बूचर कैम के साथ और कोई गूगल कैमरा का जो बिल्ड है उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। यानी पर डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल के ऊपर जो है डिफरेंट डिफरेंट लेआउट देने को मिलेगा, तो यहाँ पर डिवाइस के साथ जो है लेआउट जो है चेंज हो जाएगा इस भी ऐड किया गया है। पर बूचर कैम 3.0 के साथ जो है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेआउट भी देने को मिल जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा, यहाँ पर जो है काफी बढ़िया एंड बेटर इमेज क्वालिटी देने को मिल जाएगा बूचर कैम के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो है आप सिंपली ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर इस कैम को यूज कर सकते हो। यहाँ पर रियलमी 5 प्रो, रेडमी K20 प्रो, पोको X3 प्रो, पोको X3, रेडमी नोट 7, MI2 सभी डिवाइस के ऊपर ये जो जीकैम का जो बिल्ड काम करती है आप जरूर से इसे भी ट्राई करके देखो। यहाँ पर बूचर कैम के साथ जो है पोको X3 प्रो डिवाइस के लिए ऑक्सिलरी कैमरा का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम करती है, तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर मल्टीपल लेंस का सपोर्ट है, पर टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस और माइक्रो लेंस का सपोर्ट है, तो इस जीकैम के साथ जो है पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है पोको X3 डिवाइस के लिए। एक्चुअली पोको X3 प्रो डिवाइस के लिए ऑक्सिलरी कैमरा का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है बूचर कैम के साथ। प्लस पर जो है पोको X2 डिवाइस के लिए जो ग्रीन टिंट का जो प्रॉब्लम था उसे भी फिक्स किया गया है, पर कैमरा के साथ जो ग्रीन टिंट का प्रॉब्लम था उसे फिक्स करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है बूचर कैम के साथ। प्लस पर जो है सैमसंग के अलावा और सभी डिवाइस के लिए जो अपर्चर बटन है उसे भी फिक्स किया गया है, यहाँ पर अपर्चर बटन को फिक्स किया गया है बूचर कैम के साथ। इस जीकैम को यूज करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टिपाई के ऊपर लेवल 3 फुल का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टिपाई के ऊपर लेवल 3 फुल का सपोर्ट है तभी इस ये जो जीकैम का जो बिल्ड काम करेगा। यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर पोर्ट्रेट मोड के ऊपर फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर जो है पोर्ट्रेट मोड के साथ काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर नेचुरल फोटो क्वालिटी देने को मिलती है, पर ज्यादा सैचुरेट फोटो देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सोशल मीडिया रेडी फोटो देने को मिल जाएगा, फोटो के ऊपर जो क्वालिटी है जो डिटेलिंग है काफी बढ़िया है, यहाँ पर जो है ओवरऑल काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा, पर HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, तो यहाँ पर फोटो के साथ जो है काफी बढ़िया डिटेलिंग देने को मिल जाएगा पोर्ट्रेट मोड के साथ। यहाँ पर राइट साइड मोड के ऊपर जो है एस्ट्रो मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर डेडिकेटेड एस्ट्रो मोड का ऑप्शन है, पर नाइट साइड मोड के ऊपर जो है एस्ट्रो मोड का जो ऑप्शन से काम करती जगह इस गोल कमांड के साथ काफी बढ़िया बात है, पर एस्ट्रो मोड का जो ऑप्शन से काम करता है। प्लस पर जो है सोशल शेयर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, आप डायरेक्टली जीकैम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो, पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम करती जाएगा। प्लस पर जो है एस्ट्रो मोड का जो ऑप्शन से काम करती जाएगा, यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर टाइमर के ऊपर 3 सेकंड 10 सेकंड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, फोकस के ऊपर ऑटो नियर फार का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर फोकस के ऊपर जो इन्फिनिटी का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, आपको शायद अलग से डेवलपर सेटिंग्स में जाके एनेबल करना होगा। यहाँ पर डेडिकेटेड एस्ट्रो मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है।
कैमरा के ऊपर जो है ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, मोशन फोटोज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बेसिकली पर जो है लाइव फोटोज और टॉप शॉट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर मोशन फोटोज का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है, यहाँ पर 16:9 एंड 4:3 का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर जो है 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS का ऑप्शन है, पर चाहिए फुल HD प्लस है, पर चाहिए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो टॉगल इस भी ऐड नहीं किया गया है इस बेल्ट के साथ। आपको अलग से सेटिंग्स में जाके यहाँ पर चाहिए 4K और फुल HD में स्विच करना होगा, पर चाहिए 4K प्लस फुल HD का जो टॉगल है ऐड नहीं किया गया है बुजर कैम के साथ। प्लस पर चाहिए पैनोरामा, फोटो स्पेयर, स्लो मोशन, टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर चाहिए पैनोरामा मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम करता है। प्लस इस बिल्ड के साथ जो पर फोटो स्पेयर मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। अगर आप 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो इस जीकैम के साथ जो है पर 360 फोटो क्लिक करने के लिए जो फोटो स्पेयर मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है काफी बड़ी बात है, पर चाहिए फोटो स्पेयर मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। स्लो मोशन की अगर बात करें या पर बुचर कैम के साथ जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है। टाइम लैप्स की अगर बात करें या पर टाइम लैप्स के ऊपर जो 1x, 5x, 10x, 30x, 120x का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, बट यहाँ पर जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर कोई भी ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा है, आप सिंपली यहाँ पर जो है स्टॉक कैमरा की यूज कर सकते हो। स्पेशली अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, मेरे हिसाब से अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप सिंपली स्टॉक कैमरा की यूज करो। यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड कैमरा एंड नाइट साइड मोड के लिए आप सिंपली यहाँ पर जो है बुचर कैम की यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आप जो है सिंपली स्टॉक कैमरा की यूज कर सकते हो। यहाँ पर स्लो मोशन का जो ऑप्शन है अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर स्लो मोशन का जो ऑप्शन से अगर काम कर रहा है, आप जरूर से कॉमेंट करके बोल सकते हो आपके पास कौन सा डिवाइस है। एंड ये जो जीकैम का जो बिल्ड है तो ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। नंबर बात कर लेते सीरीज मोनो के बारे में, बजे सीरीज मोनो को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते देखते हैं सीरीज मोनो के साथ जो क्या क्या ऑप्शन को ऐड किया गया है बुजर कैम के साथ। यहाँ पर है मेन कैमरा या प्लस पर जो है बैक कैमरा ने पर जो फ्रंट कैमरा के ऊपर जो अलग अलग पिक्सल डिवाइस को जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ये पर जो है पिक्सल 2, पिक्सल 2 XL, पिक्सल 3, पिक्सल 3 XL, पिक्सल 3A, पिक्सल 3 XL, पिक्सल 4, पिक्सल 4 XL, पिक्सल 4A, पिक्सल 4A XL का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अलग अलग पिक्सल डिवाइस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस पर फ्रंट कैमरा बैक कैमरा के ऊपर जो है अलग अलग पिक्सल डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हो, पर HDR NS फ्रेम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर जो है HDR मोड के ऊपर जो है फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, पर चाहिए 30 फ्रेम तक अब इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप HDR फ्रेम को इंक्रीज करोगे यहाँ पर जो है फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। यहाँ पर डिजिबल जूम इन पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम होता है उसे डिजिबल करने का ऑप्शन है। यहाँ पर मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो पर व्यू फाइंडर के ऊपर जो है मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस देने को मिलेगा। यहाँ पर जो है डिजिबल हेक्सागन DSP का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है पर HDR प्रोसेसिंग जो है इंप्रूव हो जाएगा। प्लस पर जो है ग्रीन टिन का जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स करने के लिए जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस बेल्ट के साथ। ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है बुचर कैम के साथ। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है फ्रंट कैमरा बैक कैमरा प्लस पर टेलीफोटो माइक्रो लेंस पर जो है वाइड एंगल लेंस के साथ जो है पर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 3A, पिक्सल 4 अलग अलग ऑप्शन का ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप सिंपली पिक्सल 4 जैसे यहाँ पर जो फोटो को क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है इस जीकैम के साथ। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, पर टेलीफोटो लेंस, माइक्रो लेंस का जो ऑप्शन है, प्लस पर जो वाइड एंगल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। पर इस गोल कैमरा के साथ जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस जीकैम के साथ, काफी बढ़िया बात है। और इस जीकैम के साथ जो है पर लिप पैचर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। बेसिकली पर जो लिप पैचर के साथ फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो, पर चाहे लिप पैचर के ऊपर जो मैनुअल कंट्रोल देने को मिलेगा। पर ISO, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, लूमा, क्रोम का जो है पर मैनुअली चेंज कर सकते हो, मैनुअल कंट्रोल देने को मिल जाएगा। पर लिप पैचर के साथ फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। पर सेव लोकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है कैमरा साउंड को डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ पर गोलनेस का जो शायशन उसे डिसेबल करने का ऑप्शन है। फ्रेमिंग हिंट्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर सेव सेल्फी एज प्रीव्यू का ऑप्शन है। जो मिरर फोटोज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर सोशल शेयर का ऑप्शन है, सोशल शेयर का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद आप डायरेक्टली जीकैम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। पर गेस्चर्स का ऑप्शन है, गेस्चर्स के साथ आप सिंपली डबल टैप टू जूम का ऑप्शन है। प्लस पर
वॉल्यूम बटन को ऐसे शटर बटन की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें ऐड किया गया है ग्रिड टाइप के ऊपर 3x3 4x4 का ऑप्शन है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऐड किया गया है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एनेबल करने के बाद आप सिंपली जीकैम के साथ अगर आप कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे कोई भी नोटिफिकेशन देने को नहीं मिलेगा, बट डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऐड किया गया है। एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो है HDR कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ पर रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस अपर्चर इस बिल्ड के साथ जो है 48 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस पर अपर्चर बटन है, पर स्विच अपर्चर टू f/2.4 का ऑप्शन है। यानी पर अपर्चर बटन को भी ऐड किया गया है, पर बूचर कैम के साथ काफी बढ़िया बात है। पर जो है 48 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। ऑफकोर्स आपके डिवाइस को 48 मेगापिक्सल का सपोर्ट होना चाहिए। एंड पर जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। इस कैम के साथ जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। प्लस पर जो 4K टाइम लैप्स का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। डिफरेंटली आपके डिवाइस को 4K टाइम लैप्स का सपोर्ट होना चाहिए। प्लस पर वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। पर OS का ऑप्शन है, अगर आपके डिवाइस के ऊपर OS का सपोर्ट है तो इस कैम के साथ जो पर OS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पर वीडियो बिटरेट के ऊपर जो 100 MBPS तक जो है वीडियो का जो बिटरेट है उसे सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर बूचर कैम के साथ जो है इस भी ऑप्शन से पर 48 मेगापिक्सल अपर्चर बटन है। प्लस पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस कैम के साथ। आप डेफिनेटली इस गोल कैमरे को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अलग अलग गोल कैमरे का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।